The line p into p square plus 1 times of x minus y plus q is equal to 0 and p square plus 1 ka whole square into x plus p square plus 1 times of y plus 2q is equal to 0 are perpendicular to a common line 4. तो सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए क्या कि अगर दो लाइंस एक लाइन हमें गिवन है अब हमें गिवन है कि ये दोनों लाइन ही इस कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो इसके इस लाइन के परपेंडिकुलर जितनी भी लाइंस होंगी उन सब का स्लोप क्या होगा सेम होगा क्यों हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता होती है कि अगर दो लाइंस 90 डिग्री पे होती हैं या फिर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल टू -1 मींस अगर इस लाइन का स्लोप हमारा m1 हो गया तो और ये दोनों लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों लाइन का ही स्लोप क्या जाएगा -1/m1 के इक्वल होगा ओके अब देखते हैं फर्स्ट लाइन हमें गिवन है सी ये लिखा हुआ है p into p square plus 1 times of x minus y plus q is equal to 0 तो y को अगर मैं इस साइड ले लूं तो हमारी इक्वेशन क्या जाएगी जाएगी y is equal to p into p square plus 1 into x फिर आएगा प्लस में q तो किस फॉर्म में हो गई y is equal to mx plus c की फॉर्म में हो गई यहां पे m की वैल्यू क्या गई m is equal to p into p square plus 1 हो गया ठीक है ये हमारा स्लोप हो गया किसका दिस इज लाइन 1 लेट्स अगर मैं इसे लाइन 1 बोलूं और ये लाइन 2 हो गई ठीक है तो हमारा लाइन 1 का जो स्लोप आया वो आया इक्वल टू दिस सिमिलरली दूसरी लाइन क्या है हमारे पास में दूसरी लाइन है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ x प्लस p स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ y फिर आएगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ q इज इक्वल टू 0 तो ये क्या गए हमारे पास में सेकंड लाइन की इक्वेशन है इसे भी अगर मैं क्या करूं पूरी इक्वेशन को लिखें तो y वाले टर्म को मैं एक साइड में ले आता हूं तो आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ होल स्क्वायर इनटू x और माइनस में आ जाएगा 2q अब p स्क्वायर प्लस 1 से अगर डिवाइड कर दें तो आ जाएगा इक्वेशन क्या यहां से हमारे पास में p स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करते ही हो जाएगा माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस तो क्या आ जाएगा 2q अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 तो अब अगेन इस लाइन का अगर मैं स्लोप देखूं तो इस लाइन का स्लोप क्या जाएगा लाइन 2 का हमारे पास में स्लोप आएगा m इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ p स्क्वायर प्लस 1 तो ये हमारे लाइन 2 का स्लोप आ गया अब हमने ऑलरेडी देखा कि अगर ये दोनों लाइन क्या है हमें गिवन है कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर है तो कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए इन दोनों लाइन का स्लोप सेम होना चाहिए तो means slope of line 1 is equal to क्या जाएगा slope of line 2 तो slope of line 1 कितना है हमारे पास में वो आया था कितना p into p square plus 1 तो आएगा p into p square plus 1 और slope of line 2 कितना है it is minus of p square plus 1 सबको अगर मैं same side में ले लेता हूँ तो आएगा क्या मेरे पास में इस side में आकर क्या हो जाएगा सब p into p square plus 1 फिर प्लस में आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो यहां से अगर मैं p स्क्वायर प्लस 1 कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या मेरे पास में ओनली p प्लस 1 व्हिच इज इक्वल टू 0 तो अब यहां से p प्लस 1 आइदर 0 हो सकता है हमारे पास में तो आएगा p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और क्या हो सकता है p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है तो p प्लस हमें पता है p स्क्वायर प्लस 1 तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में नो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए हो गया नो सॉल्यूशन और p plus 1 is equal to 0 से हमारी वैल्यू आ जाएगी p is equal to minus 1 तो हमारे पास में p is equal to minus 1 एक वैल्यू है जिसके लिए दोनों क्या होंगी कॉमन लाइन के परपेंडिकुलर होंगी तो आंसर क्या जाएगा एग्जैक्ट 1 वैल्यू ऑफ p